नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एनडीए में वापस आ चुके हैं और अब उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक भी जल्दी ही एनडीए में वापसी कर सकते हैं। जी हां, ऐसी अटकलें हैं। नवीन पटनायक को तो आप जानते होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, लेकिन सुर्खियों में नहीं रहते हैं। कभी भी आपने उन्हें पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ बोलते भी नहीं सुना होगा। याद कीजिए नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता के लिए अलग अलग राज्यों में घूमकर नेताओं से मिल रहे थे, इसी क्रम में वो उड़ीसा भी पहुंचे थे, नवीन पटनायक से मिले थे, लेकिन नवीन पटनायक ने नीतीश की विपक्षी एकता की तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। हालांकि नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि वो उड़ीसा की राजनीति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं, उन्हें देश की राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। खैर, ये तो बात हुई नवीन पटनायक की। अब आइए आंध्र प्रदेश में, जहां बीजेपी बड़े गठबंधन की तैयारी में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चा तेज है। खबर है कि बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ हाथ मिलाने वाली है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में हैं, उनके साथ पवन कल्याण भी मौजूद हैं दिल्ली में। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी, टीडीपी और जनसेना देर रात मीटिंग करेगी और गठबंधन पर चर्चा करेगी। अब दक्षिण में बीजेपी का रिकॉर्ड कैसा है वो आपको बता देते हैं। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी दक्षिण भारत के किसी हिस्से में खास मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकी है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को तेलंगाना में भी 4 सीटें मिली थी। 5 राज्यों की 127 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 29 ही हासिल कर सकी थी। इनमें 25 सीटें कर्नाटक की शामिल हैं। क्या होगा बड़ा गठबंधन? अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में 30 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों की मांग की है। इनमें 1 या 2 सीट पवन कल्याण की भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी दक्षिण भारत की 84 सीटों पर फोकस कर रही है। खास बात यह है कि 5 राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना बीजेपी के एनडीए के लिए 400 पार के नारे के लिए काफी अहम होगा। कभी एनडीए के शुरुआती सदस्यों में शामिल रही टीडीपी ने करीब 6 साल पहले गठबंधन से दूरी बना ली थी। अब संभावनाएं हैं कि पार्टी एनडीए में वापसी कर सकती है। खबर है कि जनवरी में नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू फिर से एनडीए में वापसी करेंगे नीतीश कुमार की तरह। सवाल है, जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।